तो सबसे पहले वापस टॉपिक के अंदर आता है कि इंट्रोडक्शन टॉपिक का। तो बेसिकली होता क्या है, जो माइक्रोवेव नाम है वो कहाँ से निकला हुआ है, माइक्रोवेव से निकला हुआ है। और माइक्रोवेव कम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव कम यूज़ करते हैं उससे जो माइक्रोवेव से हमें जो एनर्जी मिलती है उससे हम खाना पकाने के उसका यूज़ करते हैं। ये किस तरह से यूज़ करते हैं कि जो माइक्रोवेव होती हैं वो खाने के सेल्स या मॉलिक्यूल से पास आउट होती हैं, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के अंदर, वो क्या करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिससे जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है और उनमें जनरेट हीट लगती है। और हाउ डू माइक्रोवेव्स कुक फूड, माइक्रोवेव किस तरह से खाना पकाते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले स्टेप्स में क्या होता है कि इनसाइड माइक्रोवेव ओवन अ स्ट्रॉन्ग मेटल बॉक्स होता है, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग मेटल बॉक्स हमारे पास है, इस तरह का ये होता है, ये बेसिकली पूरा माइक्रोवेव होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, एक मैग्नेट्रॉन नाम का एक इसके अंदर माइक्रोवेव जनरेटर लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम खाना पकाना शुरू करते हैं तो प्लग की पावर सप्लाई जब ऑन करते हैं प्लग से, तो क्या होता है, मैग्नेट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से तो क्या करता है, हाई पावर 12 सेंटीमीटर की रेडियो वेव्स को जनरेट करना शुरू कर देता है। और ये रेडियो वेव्स क्या करती हैं, ये रेडियो वेव्स क्या करती हैं, खाने से पास आउट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जब ये फूड कंपार्टमेंट से पास आउट होती हैं थ्रू अ चैनल कॉल्ड वेव गाइड से पास आउट होकर फूड कंपार्ट के अंदर पहुंचती हैं, उससे फिर क्या करती हैं, फूड के अंदर पास आउट होने लगती है, फूड से उसके मॉलिक्यूल्स को हीट अप करने लगती हैं, ये सब उसके अंदर होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, साथ में हमारा फूड क्या होता है, इसके ऊपर सोलिड टेबल पे, राउंड टेबल पे रखा होता है तो ये रोटेट करता रहता है, तो इवनली जिस वजह से कुक होता रहता है हमारा फूड। और जो ये बैक एंड फोर्थ क्या करती है, मेटल लगा होता है इसकी वॉल्स के ऊपर, पूरी वॉल से मेटल लगा होता है माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, किस वजह से होती है, रिफ्लेक्शन होने लगता है, ठीक है, किसका, माइक्रोवेव्स का, मेटल वॉल से, जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, उसी तरह से बेसिकली, ठीक है। और क्या करती है, कुछ माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो खाने से सिंपली पास आउट भी हो जाती हैं, ठीक है, और उनका टेम्परेचर को राइज कर देती हैं। जैसे अब इस तरह कैसे होता है, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स हमारे घर की या हमारे कहीं ऑफिस वगैरह के घरों की दीवारों से जैसे पास आउट कर जाती हैं, उस तरह से फूड से पास आउट करने लगती हैं, यहाँ पर भी रेडियो वेव्स उनको हीट अप करने लगती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है, बेसिकली। और इसमें और क्या होता है, जिस तरह वो ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, इट वाइब्रेट्स मोर क्विकली, और जितनी ज़्यादा वो उससे पास आउट करेंगे उतनी तेज़ी से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अभी जो रेडियो वेव्स है यहाँ पे वो उस तरह की सेट की गई है कि वो माइक्रोवेव के मतलब रेंज में आ जाए। और क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, अब कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैव हीट, सो द फास्टर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट द हॉटर द फूड बिकम्स, जितना ज़्यादा फूड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल्स का। तो जब माइक्रोवेव्स अपनी एनर्जी को पास आउट कर देती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, फूड के अंदर, तो इससे जल्दी जल्दी फूड कुक होने लगता है। अब हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, अब किस तरह से माइक्रोवेव का डिस्कवरी हुई थी, तो ये देख लेते हैं। तो वन डे पर्से स्पेंसर एक साइंटिस्ट था, उसकी जेब में एक बार एक क्या था, चॉकलेट रखी हुई थी। तो उसने जब मैग्नेट्रॉन को एक बार ऑन किया तो उसने सरप्राइजिंगली पाया जो चॉकलेट थी उसकी पैंट के अंदर या जेब के अंदर पॉकेट में, वो क्या हुई, वो मेल्ट होना शुरू हो गई, ठीक है, वो मेल्ट हो गई। फिर उसने क्या किया, उसने पॉपकॉर्न के साथ भी करके करके देखा, तो उसको ने पाया कि पॉपकॉर्न भी कुक हो गए। तो उसको पता लगा कि माइक्रोवेव से हम खाने को कुक कर सकते हैं, इस तरह से माइक्रोवेव का इन्वेंशन हुआ। अब हाउ डेंजरस इट इज़, कितना डेंजरस है, तो हमें कभी मेटल ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करना चाहिए माइक्रोवेव के अंदर, जैसे कि फोर्क वगैरह, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, आर्किंग हो सकती है और जिससे माइक्रोवेव ओवन डैमेज हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया, ब्लास्ट वगैरह हो सकता है इस तरह से। और डेंजरस क्या है इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर, एक और चीज़ की, अगर हम काफ़ी देर तक खाने को उसके अंदर रख दें, सॉरी जो फूड या फिर कोई वाटर को उसके अंदर स्टोर करके रख दें, तो वाटर जो होगा वो क्या करेगा, सुपर हीट रीजन में आ जाएगा। सुपर हीट क्या होगा, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर से उसके ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो बॉइलिंग अपेयर नहीं होगा हो रहा होगा इसके इसके अंदर। तो जब वो बॉइलिंग अपेयर नहीं हो रहा होगा, तो जैसे गेट खोल के उसको बाहर निकालेंगे तो अचानक से बॉइल होना शुरू हो जाएगा और हमारे ऊपर गिर सकता है। वो आते हैं डिफरेंस बिटवीन ओटीजी एंड माइक्रोवेव ओवन की, ओटीजी और माइक्रोवेव ओवन में क्या डिफरेंस होता है। तो ओटीजी जो होता है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, जिससे किस करने के लिए अपने इसके अंदर जो कॉइल्स बनी होती हैं उसके अंदर किसकी, निकल और क्रोमियम की, उनको हीट अप करता है कॉइल्स को, जिससे वो हीट जो निकलती है वो खाने को कैसे कुक करती है यहाँ पे। तो ठीक है, यही इसके अंदर बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि कॉइल्स को हीट अप करना, निकल क्रोमियम की, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू खाने को बनाना, ठीक है। और वही माइक्रोवेव क्या होता है, वो माइक्रोवेव्स का यूज़ करता है खाना पकाने के लिए। माइक्रोवेव जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू ओटीजी, और खाने को जल्दी भी बनाता है। अब वेदर फूड कुकड इन माइक्रोवेव हार्मफुल, अब क्या खाना जो माइक्रोवेव के अंदर बनाया गया वो हार्मफुल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो माइक्रोवेव के अंदर जो खाना पकाया जाता है वो सेफ़, इफेक्टिव और हाईली कन्वीनियंट कुकिंग मेथड होता है, ठीक है,
काफ़ी सेफ इफेक्टिव हाइलोकार्बन कुकिंग मेथड होता है, और ऐसे कोई एविडेंस नहीं पाया गया जब पर ये लिखा गया हो कि इसको खाना हार्मफुल हो सकता है, यानी कि कुछ एविडेंस, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले हैं जिससे ये पता लगा कि ये बेटर है, इवन बेटर है नॉर्मल कुकिंग मेथड से, क्योंकि इससे क्या होता है कुकिंग के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर, ठीक है, वो प्रिजर्व रहते हैं, और क्या होता है जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता इस केस के अंदर जब इससे कुक करते हैं तो. थैंक यू.